हैं दोस्तों, आप सभी मैं हूं इंजीनियर अभी और हम लोग देख रहे हैं बेसिक एनर्जी एंड एनवायरमेंट ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी का एक पेपर है जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी जनरल स्टडी में एनवायरमेंट का जो भी क्वेश्चन आता है सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर एनवायरमेंट का यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो रहा है, वहाँ पर एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये ईएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है, डिपेंड करता है लेवल बाय लेवल किस लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, इससे ज़्यादा यूपीएससी में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, इसी को डिटेल में पूछा जाएगा, टॉपिक यही रहेंगे, इसी को डिटेल में पूछा जाता है बस। तो हम लोग ईएससी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ मैं ये कोर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंजर्वेशन देख रहे थे, हम लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन, सूर्य संरक्षण, इसका बचाव कैसे हम बचाव करें इसका अपने संसाधनों का, तो उसमें हम लोगों ने देख रखा था एयर को, देख रखा है वाटर को, देख रखा है। अब सॉइल की बात आ रही है, तो भैया हम लोगों को अपनी मिट्टी को भी सुरक्षित रखना है, तो देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, तो हम लोग सॉइल का जो स्थिति खराब होता जा रहा है, दयनीय होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता जा रहा है, उसको आप कंजर्व कीजिए, उसको बचाइए। उसके बाद है बायोरिमेडिएशन। ये क्या है? बायोरिमेडिएशन इज अ बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट फ्रॉम अ कंबाइंड साइट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द बायो रिमेडिएशन। इसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बायो रिमेडिएशन आर नोन एज बायो रिमेडिएटर। एक तरह से हम लोग सॉइल में वो चीज़ें मिला रहे हैं जो इससे ख़त्म हो गया है, यही करने का तरीका है ये। इसमें करते क्या है, क्या क्या मिला रहे हैं आप? तो सबसे पहला है आपका डेनिशियस रेडिडेंट। ये क्या है? डिजेंट टूलेंस एंड आयनिक मर्करी फ्रॉम द हाईली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। सेकेंड है बी फोटोबैक्टीरियम एंड फोटोफोरम। ये क्या है? यूज फॉर द रिमूव वाटर टॉक्सिसिटी, वाटर टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है सी आपका सुडोमनास पुटेटिया पुटेटियाडा। इसका केमिकल नाम ऐसा ऐसा रहता है, मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ ढंग से। तो ये क्या होता है? यूज टू क्लीन वाइल्ड पॉल्यूशन एंड रिमूव वाटर टॉक्सिसिटी। उसके बाद है डी क्रोनोस एरोमेटिका। ये कैपेबल टू डिग्रेडिंग पर क्लोरेट एंड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद है नाइट्रोसोनम्स नाइट्रोबैक्टर एंड पैराकोसस। ये रिमूव टू अनवांटेड मिनरल नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया नाइट्रेट और वगैरह, नाइट्रेट वगैरह है, नाइट्रेट नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। उसके बाद एफ की बात करें तो मेथालुविनियम पेट्रोलिफ्यूलियम। ये है कैपेबल टू मिथाइल ट्रिट ब्यूटाइल इथाइल इथर एम टी बी ई बायोमेडिएशन। उसके बाद है फानेरोचरेटी। इसके बाद ये है बायो रिमेडिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉलीरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पी सी बी एस डाइऑक्सिन डाइन। उसके बाद हम बात करते हैं टी एंड टी की, टी एन टी एंड अदर नाइट्रो एक्सप्लोसिव साइनाइड्स एजाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड पेंटाक्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उसके बाद लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग क्या होता है? तो इट इज अ बायो रिमेडिएशन ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज परफॉर्म इन द अपर सॉइल जोन। ये भी एक प्रकार का आपको मिट्टी को सही करने का तरीका ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ ऊपर का सरफेस जो आपका मिट्टी का वो सही होता है, और इन बायो ट्रीटमेंट सेल्स कंटामिनेटेड सॉइल सॉइल सेडिमेंट्स और स्लग्स आर इनकॉर्पोरेट इनटू द सॉइल सरफेस एंड प्रोडक्टली टर्न ओवर टिल्ड टू एरेट द मिक्सचर। उसके बाद है फाइट्रो रिमेडिएशन। इसमें क्या है? ये भी एक बायो रिमेडिएशन यूजिंग प्लांट्स फिटोमेडिकल्स एंड कंसिस्ट ऑफ
mitigation pollutant concentrations in contaminated soil, water or air, with plants able to contain, degrade or eliminate metal, pesticide, solvent, explosive, crude oil and its derivatives, etc. Plant used for the phytoremediation, उसमें क्या है प्लांट यूज, कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं आपको मिट्टी को सही करने में के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स को फिर से वापस लाने के लिए, वो है सनफ्लावर्स। सनफ्लावर क्या करता है, कौन कौन से केमिकल्स को लाता है, तो आर्सेनिक एंड रेडियो एक्टिव सेल्सियम्स 137 एंड एस्ट्रोडियम 19। बिलोव ये भी एक प्लांट है, इसमें कैडमियम सी डी जिंक जेडन एंड कॉपर सी यू, ये सब इसको फिर से धरती के अंदर लाने के लिए आप इस पौधों को रोप दें तो फिर से आपका ये सब चीज़ें जो नहीं थी वो आ जाएगी वापस। उसके बाद एल्फिन पेंसरिस, ये कैडमियम एंड जिंक। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मस्टर्ड, रेगवीड हैम्प, ये लेड को लाता है। उसके बाद बर्लिस, सोडियम क्लोराइड, ये सब है जो ये सब पॉलिटोन को मिट्टी से निकाल लेता है, इस सभी को पॉलिटन को मिट्टी से बाहर कर देता है अगर ये सब प्लांट आप यूज करोगे तो। ये प्लांट यूज करो तो आर्सेनिक रेडियो एक्टिस सेशियंस 137 ये सभी को ये सनफ्लावर मिट्टी से निकाल देता है। यही आपका फेटोरेमिडेशन, ये करता क्या है बायोरेमिडेशन, जो प्लांट फेटोरेमिडेशन कंसिस्ट ऑफ मिटिग्रेशन पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन, ये पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन को इसमें से निकालता है इन द कंटामिनेट सॉइल, तो निकाल देता है, तो यही काम कर रहा है ये सब चीज़ें। उसके बाद ई वेस्टेज पे आते हैं। ई वेस्टेज क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हैं जो आप मोबाइल वगैरह चलाते हो तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉच या फिर जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक हैं उसको अगर आप तोड़ फोड़ के फेंकते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज कहलाता है। ये भी आपके सॉइल को पॉल्यूट करता है। बायोमेडिकल वेस्टेज जो आपके मेडिकल इंडस्ट्री से आता है या फिर आप जहाँ चिकित्सा कराते हो वहाँ से अगर आता है तो वो सभी चीज़ें आपका मिट्टी में ही जाता है, तो उससे भी मिट्टी कंटामिनेट होता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद प्लास्टिक वेस्टेज, प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो कभी गलता फलता भी नहीं है तो भी कंटामिनेट करता है। फिर सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद है लीगल इनिशिएटिव, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, क्या तरीके हैं भाई लीगल प्रोसेस क्या ले जाया गया है इसको। उसमें है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2010, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2015 आया। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2015, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2015, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इस तरह से बहुत सी चीज़ें आई जो आ रही है सरकार कर रही है ताकि सॉइल पॉल्यूट ना हो। उसके बाद इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी कई लिए गए हैं जो इसको सही करने के लिए लिए गए हैं। उसमें से एक है आपका बेसल कन्वेंशन हुआ था, BASEL बेसल कन्वेंशन हुआ था, जो आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आपको हजार्डियस वेस्ट को आपको ट्रांसमिट नहीं करना था, तो इसके लिए आपको बनाया गया था बेसल कन्वेंशन कैसा ना हो। तो ये सब चीज़ें थी आपके सॉइल पॉल्यूशन से, सॉइल को कंजर्वेशन से रिलेटेड कि सॉइल को कैसे कंजर्व रखा जाए और क्या क्या मेजर्स उठाए गए हैं इसमें, क्या क्या तरीके हैं सॉइल को कंजर्व करने के, सॉइल को सही करने का। ये सब आपका लैंड फार्मिंग आपने देखा, ये चीज़ें देखी। तो चलते हैं इस लेसन में, इतना ही था। ये मैं हूँ और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आपसे आग्रह है कि आप इसे भी सब्सक्राइब करें। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारे कोर्स मिल जाएंगे, जनरल के जो कोर्स है यहाँ पर पब्लिश नहीं है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे के स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर पब्लिश्ड है। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही। कैसे हैं दोस्तों आप सभी, मैं हूं इंजीनियर अभी, और इस लेसन में हम लोग देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन मिटिगेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए नॉइज पॉल्यूशन मिटिगेशन क्या है भाई, तो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया बाय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 2000। तो यही जो पॉलिसी है, यही आपका कन्वेंशन जो एक्ट है, वही नॉइज पॉल्यूशन के में काम करता है। मैक्सिमम साउंड, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस इन
डिफाइंड फोर डिफरेंट कैटेगरी। इंडस्ट्री के लिए है क्राइटेरिया है कि 75 डेसिबल आप डे में और 70 डेसिबल आप नाइट में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद कमर्शियल के लिए 65 डे मतलब मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप। कमर्शियल एरिया में आपका है 65 डेसिबल डे में और 55 डेसिबल नाइट में। रेजिडेंशियल एरिया है तो आपका 55, और साइलेंट जोन है तो आप 55 मैक्सिमम है और 40 आपको नाइट में चला जाएगा अगर साइलेंट जोन है तो, जहां आपको हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स के बारे में आप जो बताया था मैंने, एक 125 डेसिबल जो हैवी व्हीकल होता है वो प्रोड्यूस करता है, और 105 डेसिबल तक आपको टू व्हीलर वगैरह प्रोड्यूस करता है हॉर्न। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स अगर आप जलाते हो तो 90 डेसिबल तक प्रोड्यूस करता है, आपको नहीं करना चाहिए ये सब। देखिए ये सभी जगह को क्रॉस कर जा रहा है, जो क्रैकर्स आप जला रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, अननेसेसरी ढोलक बजाते रहते हो, शादी ब्याह करते रहते हो, तो उसमें ढोलक बजाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बीवी ला रहे हो, इससे आपको खुश होना है, दुनिया को बता रहे हो। चलिए क्लाइमेट चेंज के बारे में आते हैं। क्लाइमेट चेंज के मिटिग्रेशन के लिए क्या क्या किया गया है भाई, उसमें सबसे पहला जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग क्या किया गया है, देयर आर प्रपोज्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थोपोजिक एक्टिविटी डेट विल हेल्प इन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फॉलोइंग आर द प्रोसेस आर द जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग में करते क्या क्या है, सबसे पहले CO2 रिमूवल। CO2 रिमूवल कैसे होगा, CO2 रिमूवल क्यों करना है, क्योंकि भाई CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है ना कि पॉल्यूशन, तो ग्लोबल वार्मिंग से CO2 को रिमूव करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंक, तो इस CO2 को हटा कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंक आपको बनाने पड़ेंगे। कार्बन हट गया दुनिया से तो काम चल गया आपका। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंक कैसे बनाते हैं, एरिया विच कैन बी स्टोर इनफाइनाइट कार्बन फॉर द इनफाइनाइट टाइम। तो ऐसा हमको सोर्स बनाना होगा जो इनफाइनाइट टाइम तक इनफाइनाइटली आपका कार्बन को सोखता रहे इन द फॉरेस्ट एरिया एंड एग्रीकल्चर फील्ड। जैसे कि आपका फॉरेस्ट एरिया है, एग्रीकल्चर फील्ड है, या आपके कार्बन को सोखता रहता है, CO2 को लेता रहेगा। उसके बाद डिस सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बॉडी। तो डिस सोल्यूशन ग्रोथ ऑफ एल्गी इंक्रीज, इससे क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ एल्गी इंक्रीज, एल्गी डिपोजिट कार्बन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर दिज सेल्स आफ्टर देयर डेथ। कैल्शियम कार्बोनेट सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, CO2 इज ट्रैप्ड इन फाइनाइटली। दिज कैल्शियम कार्बोनेट सेल आर कॉल्ड द मरीन सेनो। हम ये भी कर सकते हैं कि CO2 को जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पानी में घोल दें, जो कि आपने यहाँ पर डिटेल में देखा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। देखिए सब थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ सकता है कुछ चीज़ें, वैसे भी जानने को ही मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट तो है ये, अपने बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए होंगे ये सब चीज़ें। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा चीज़ें जान रहे हो तो अच्छी बात है, नॉलेज रखना ही चाहिए, बाकी आने के चांसेस कम है इसलिए मैं तेज़ी से निकाल रहा हूं। उसके बाद है एंटरटेनमेंट ऑफ CO2 इन रॉक एंड कंजर्वेशन ऑफ CO2 इनटू रॉक। उसके बाद है यूज ऑफ MgCl2 वेस्ट सीमेंट विच कैन ट्रैप CO2 फ्रॉम MgCO3 एंड CO2 इज रिमूव्ड। उसके बाद भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूज ऑफ सल्फर बैलून और एरोसोल्स और कॉस्मिक डस्ट टू रिड्यूस द इनकमिंग हीट फ्रॉम सैंक। एफ है आपका स्प्रिंकलिंग ओशन वाटर ऑन क्लॉट टू इम्प्रूव रिफ्लेक्शंस ऑफ सन रेज विच इज कॉल्ड अ क्लॉट ब्राइटनिंग। ये था आपका, इसके अलावा भी आपके हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे और भी मैं बता देता हूँ, एडिंग ऑफ आयरन और अदर न्यूट्रिएंट्स इन ओशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्गी विच कैन प्रोड्यूस सल्फर एरोसोल विच विल प्रोड्यूस सल्फर क्लॉट टू रिड्यूस इन कमिंग सोलर रेडिएशन, दिस कॉल्ड द आयरन फोर्टिफिकेशन। अगर आगे चलते हैं हम लोग, आगे भी है यूज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस टू कन्वर्ट मेथेन इनटू द मेथेन हाइड्रेट एंड यूज ऑफ लेजर टू ब्रेक डाउन CFC। इंडिया में बहुत सारे आपको इंडियन इनिशिएटिव्स भी दिए गए हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपका नेशनल इनिशिएटिव अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल इनिशिएटिव क्या लिया गया, सरकार ने क्या क्या कदम उठाई है, इंडिया सरकार ने
क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो वो एक है नॉटकॉम, नेटकॉम। इसने ये क्या है नेटकॉम, इट इज अ नेटवर्क इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएटेड मिटिग्रेशन स्ट्रांगली अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इट इज स्टेबलाइज एज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटी स्टेबलाइज बाय वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिए गए। तो सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है नेटकॉम का। टू प्रोवाइड द स्ट्रांगली फॉर रिड्यूसिंग ऑफ सी एच जी इमिशन, जी एच जी इमिशन, इनिशिएट प्रोग्राम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट फॉर अ बेटर एनर्जी जनरेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं एन सी डी एम ए। एन सी डी एम ए क्या है, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये, जो एन सी डी एम ए कहलाता है। इट वॉज स्टेबलाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003 एज ए लोकल अथॉरिटी अंडर यू एन एफ सी सी एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू मॉनिटर द अप्रोच टूवर्ड क्लीन मैकेनिज्म एंड अ प्योरिटी ऑर्गेनिज्म टू सिग्निफाई द सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। उसके बाद है आपका एन ए पी सी सी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो 2007-2008 के बीच आया। तो इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव दिए गए जिसको हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्ट्री एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एन ए पी सी सी, तो ये एन ए पी सी सी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद यू एन ई पी क्लाइमेट चेंज के बारे में जितने प्रोटोकॉल वगैरह हुए साइन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। दिन प्रतिदिन आपका मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ता जा रहा है, ठंड में ठंड बढ़ जा रहा है, कभी गर्मी कम पड़ रहा है, कभी बरसात ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज ना हो ये इफेक्ट करेगा, तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जैसा वैसा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है, कुछ कुछ करती जा रही है। सो करना पड़ रहा है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे प्रोटोकॉल साइन है, उसको हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही। चलिए दोस्तों, मैं हूँ अभिनंदन कुमार आज़ाद और हम लोग देख रहे हैं बहुत तेज़ी से हम लोग निकल रहे हैं बेसिक एनर्जी एंड एनवायरमेंट। बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट था वो देख चुके हैं, अब जो चीज़ें और भी मैंने दे दिया है ताकि कुछ क्वेश्चन आए तो आप ये ना कहो कि सर आपने बताया नहीं था, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो वैसे भी आपके पास स्लाइड उपलब्ध है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें आई गवर्नमेंट ने, बहुत सारी पॉलिसी बनाई। तो जनरली तो वो ताज़े ताज़े जो पॉलिसी रहते हैं उसके बारे में पूछते हैं, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो भी पूछते हैं। तो जो पूछा उन्होंने वो मैं डिस्टर्ब बता दिया है, बता दूंगा जो उन्होंने यूपीएससी में वो पूछते हैं रेगुलरली, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी आप भी पढ़ सकते हो क्योंकि लिमिट तो है नहीं, वो कुछ भी पूछ सकते, कितने इतने सारे पॉलिसी है, और पूछते इंपॉर्टेंट है तो उसकी दया है, ज़रूरी तो है नहीं कि वही पूछेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास है स्लाइड, आपको पढ़ना इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, पर आपके पास भी समय नहीं होगा, मैं जानता हूँ तैयारी कर रहे हो आप लोग तो आपके पास भी समय नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये है पी एम पी सी सी, जितने भी हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेशनल इनिशिएटिव था उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, कई चीज़ें हम लोग देख चुके थे पिछले लेसन में। यहाँ पे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या एक्शन प्लान है उनका, वो क्या है, तो एन पी सी सी के बारे में हम लोग देखते हैं। एन पी सी सी इसमें है नेशनल ग्रीन इंडियन इमिशन, नेशनल वाटर इमिशन, नेशनल इमिशन फॉर द इंटरेस्ट एनर्जी इफिशेंसी, नेशनल इमिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इमिशन फॉर द सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल सोलर मिशन। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अगर सबको डिटेल करने लगो तो सबको गूगल करो, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए। तो कुछ पूछने का बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मैंने भाई टर्म्स बता दी कि भाई अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लगूँ तो देख ही लो कितने टर्म है, अगर एक एक लाइन भी इतना इतना ही भी मैं लिखूँ तो सोचो कितने सारे स्लाइड बन जाएंगे, कितना वो पढ़ना पड़ेगा, और आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो हम लोग कम ही करते हैं, फिर भी आपको पढ़ना है तो मैं आपके सामने दे तो दिया हूँ,
टॉपिक तो बता ही दिया हूँ, गूगल कर लो तुरंत मिल जाएगा आपको चीज़ें, दो दो लाइन सबके पास। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसमें भी बता दूंगा आपको। पर ज़्यादा ना किया जाए, आपको ज़्यादा लोड ना दिया जाए पढ़ने के लिए, वही बेहतर है। कम से कम रहे, अधिक से अधिक आपको नंबर आए वो ज़रूरी है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ये भी था। नेशनल मिशन फॉर द नेटवर्क ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंजेस, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। उसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये बहुत सारे हुए हैं। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंजेस, उसमें था स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 में साइन हुआ, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट UNCHA। इट वॉज ए कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इट वॉज द रिएक्शन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, मास डिस्ट्रैक्शन वेपन इज टू बी इलिमिनेटेड। उसके बाद है राइट टू बी प्रोटेक्ट इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूट टू बी डिजाइन टू फाइट इंक्रीज नेचुरल ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद आई UNEP। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? तो केम आउट ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ, उसी का ये आउटपुट था, उसी से जन्मा कि ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो ये क्या था? फॉलोइंग मेजर कन्वेंशन आर फॉर्म अंडर UNEP। क्या क्या कन्वेंशन साइन हुआ? कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंडिजिनस स्पेसीज फॉर द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना वाशिंगटन 1973। कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लेशन वीना 1985। कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टान मोनिट्रेल 1987 में हुआ। कन्वेंशन ऑन ऑन कंजर्वेशन ऑफ मिटिग्रेटेड स्पेसीज वर्ल्ड 1979 में आपका ये साइन हुआ। वेसल कन्वेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस बेस्ड मटेरियल, ये आपका 1989 में साइन हुआ। ये आपका जो है UNEP जो निकला है, ये इसी का आउटपुट था, आपका UNCHA का ही आउटपुट है। इसमें ही ये बातें हुई थी कि सब चीज़ें करना है, तो इसको करने के लिए कुछ बनाना है, तो उन लोगों ने बनाया। तो उसके बाद आया UNEP डिक्रीज 1980 वर्ल्ड चार्टर फॉर द नेचुरल, 1983 वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, 1985 में वर्ल्ड लैंड कमीशन। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन पैटर्न डेवलपमेंट आवर कॉमन फ्यूचर 1988 में, IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये सब सारी चीज़ें उसी में आया था, और एक बार एक आता गया लेवल, एक के बाद उसमें जो होता रहा कन्वेंशन साइन हो गया, उसके बाद जो एक्शंस लिए गए हैं वो एक्शन इस प्रकार से लिए गए। सुबह चलते हैं हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। IPCC क्या है भाई? अगर हम लोगों ने IPCC देखा तो IPCC तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिस्ट आउट कर दिया है कि इसमें क्या क्या हुआ था, और उसके बाद हमको पढ़ना है वो IPCC जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। ये क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट रिसर्च साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्ट बेस्ड ऑर्गेनिक। इसके बाद है आपका दिस ले डाउन ऑब्जेक्टिव टू इन्वायरमेंटल सर्च एंड क्रिएट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिटवीन द गवर्नमेंट टू एक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अगर थर्ड की बात करें, 2007 नोबेल प्राइज वाज ज्वाइंटली बैक्ड बाय IPCC एंड प्रेजेंटली IPCC मॉनिटर्स द इंटेंटेड नेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री फॉर ऑन अ स्ट्रेटजी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। PCC की बात करें, PCC पब्लिश्ड वुड कंजर्वेशन रिपोर्ट एवरी ईयर सिंस 1991, विच हैज फाइव चैप्टर टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ओवर द एग्जिस्टिंग नेचुरल एलिमेंट। इसके बाद आया रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रियो अर्थ समिट क्योंकि इंपॉर्टेंट इस लेवल पे है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इसमें, सिविल सर्विस एग्जाम में, रियो अर्थ समिट से रिलेटेड, रियो सम्मेलन जो भी हुआ था, एजेंडा 21 से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट उसको टिक की, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी की थी, जिसमें पता चला है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे बेसिस पे मैंने ये प्रिपेयर किया है।
रियो अर्थ समिट 1992 और UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एजेंडा 21 की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी इससे रिलेटेड ये है एजेंडा 21। UNFCCC की बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 ये क्या था इट इज एंड एन आउटकम ऑफ UNCED इट एक्ट एज अ नॉन बाइंडिंग और नॉन लीगल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शंस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड मल्टीपल स्टेट टू फास्टर एंड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। रियो डिक्लेरेशन की बात करें रियो सम्मेलन में हुआ क्या तो रियो डिक्लेरेशन क्या था प्रोटोकॉल फॉर द एजेंडा 21 जो एजेंडा 21 था उसका प्रोटोकॉल बना उसके बाद इसमें कन्वेंशन ऑफ पार्टीज बना कन्वेंशन ऑफ पार्टीज बना COP जिसको कहते हैं उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ उसमें क्या हुआ रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्योटो प्रोटोकॉल यही से पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या साइन हुआ भाई किससे रिलेटेड है तो वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से उसके बाद रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई कंटेंट हटाइए यस ग्लोबल वार्मिंग इज प्रेजेंट इट मैन मेड भाई ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग मैन मेड है तो 2000 में फिर से आया मालमो कन्वेंशन क्योटो चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है KP से कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉलोड बाय डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी ज्वाइंटली बाय टू और मोर कंट्रीज हेल्प टू अचीविंग कंपल्सरी CO2 इमिशन रिडक्शन टारगेट सबको अपना अपना टारगेट दिया गया कि आप CO2 को कम कीजिए। पर एक अमेरिका नामक जगह चीज है जो किसी की बात नहीं मानता है उससे कोई लेना देना नहीं है दुनिया मरे तो मरे हम अपना मनमानी करेंगे तुम लोग करो कम हम तो महान हैं हमारे पास बहुत सारे परमाणु बम हैं जो चाहे चुप करेगा उस पर गिरा देंगे ये सब उसका है। सेकंड क्या है तो ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉलोड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज बाय कंपल्सरी एफोरेस्टेशन एंड वॉलंटरी इमिशन रिडक्शन। थर्ड है इमिशन ट्रेडिंग बाय इमिशन रिडक्शन क्रेडिट और द सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट। देखो ये सब क्या चीजें हैं इसको समझ लेते हैं क्या हुआ। अब क्योटो प्रोटोकॉल आया तो इसमें कहा गया कि भाई आप लोग ये जो निकाल रहे हो ग्लोबल वार्मिंग करने वाला सारे चीज़ें हैं जो CO2 सबसे बड़ा तो CO2 है क्योंकि तुम पैदा तो CO2 कर रहे हैं वेपर वाटर वेपर तो अपने आप आता है वही बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ पे तो नेचुरल है CO2 सबसे ज़्यादा तुम पैदा कर रहे हो जो कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो इसको मत करो। अब इसको नहीं करो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो है डेवलपिंग के मोड पे है। अब वो कहता है कि भैया हम तो अभी अभी आबादी शुरू किए हैं अभी तो हम लोग शुरू किए हैं ये सब चीज़ें तुम लोग पॉल्यूशन करके बैठे हो अमेरिका ब्रिटेन जापान तुम लोग इतना पॉल्यूशन कर दिए अब जब हमारी बारी आई तो कह रहे हो कि मत करो भाई तो तुमने ये जो आज पॉल्यूशन है ये किसकी देन है ये डेवलप्ड कंट्री की देन है डेवलपिंग कंट्री तो अभी कर रहा है पर हुआ जो है वो तो उसके कारण हुआ है उसको कहा है कि भाई आपने ये किया है ये आपकी देन है आप इसको सही कीजिए। इस पर झगड़ा हो गया क्या करें तो भाई अमेरिका ने कहा कि हम तो भाई तुम लोग समझो हम नहीं करेंगे जो भी करना तुम लोग करो तो सब लोगों ने डेवलप्ड कंट्री पर कहा कि आप कम कीजिए पर डेवलप्ड कंट्री तैयार होता ना वो तो पहले ही महान है वो किसी से डर ही नहीं है वो उसको कि हम जो करेंगे वो करेंगे तुम लोग कम करो। तो इस पर आया कि भाई वो तो मानेगा नहीं तो कोई उपाय निकाला जाए तो ये क्योटो प्रोटोकॉल सामने हुआ। इसने क्या कहा कि ठीक है आप नहीं कम करेंगे तो ठीक है कोई गरीब कंट्री बेचारे पहले डेवलपिंग कंट्री है उसको कह रहे हैं आप कम करने के लिए वो कैसे करेगा तो आप काम कीजिए कि आप पैसा दीजिए उसको जितना आप क्रेडिट बनाइए कि जितना वो इमिशन कम करता है उसको उतना क्रेडिट मिलेगा जितना जो पैदा कर रहा है उससे क्रेडिट घटेगा तो आप क्या कीजिए उसको पैसा दीजिए कम करने के लिए फोर्स लगाने के लिए। फिर तब तो मैंने कहा कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तुम कहते रहते हो कि अमेरिका क्यों पैसा देता है पाकिस्तान को तो वो इसी बहाने से पैसा देता है अब इसमें उसको डबल फायदा हो गया अमेरिका को एक तो अमेरिका को इसी बहाने अमेरिका ने जो पाकिस्तान को इस बहाने पैसा दे दिया कि हमने तो अपना काम कर दिया हमने ग्रीन फंड खरीद लिया जो कि आपका देख रहे हो क्रेडिट वगैरह जो है तो वो चीज़ हमने खरीद लिया और ऊपर से उसको दिया है पैसा फॉरेस्ट लड़ाने के लिए आतंकवाद से लड़ने के लिए वगैरह वगैरह डेवलपिंग कंट्री को और उसका इस्तेमाल वो करेगा इंडिया के खिलाफ बम बनाने में
तो इस तरह से डेवलपमेंट वो अपना दो हाथों से टाइगर साध रहा है, एक तो अमेरिका से वो लड़ रहा है, इंडिया से लड़ रहा है, इंडिया को से लड़ने के लिए जो उसको पैसा बर्बाद करना चाहिए था वो लगाता अपना डिफेंस में, वो डिफेंस में न लगा के एक तरह से वो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, वो तो डिफेंस ही कर रहा है, उसका तो डबल फायदा है, क्योंकि लड़ेगा तो पाकिस्तान मरेगा, उसका तो बस पैसे जा रहा है, ऐसे अगर खुद लड़ता तो पैसा भी जाता है उसके लोग भी जाते हैं, तो ऐसे तो कम नुकसान है ना, उसकी जगह कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, बस पैसा जा रहा है, इंडिया को सब जा रहा है। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा, पाकिस्तान वालों के साथ ये वीडियो शेयर कर उनको समझना होगा कि भाई अच्छी चीज़ है, लड़ाई जा रही है, आप लोगों को मिल बैठ के बढ़ना चाहिए, यही चाइना है, चाइना नहीं लड़ेगा इंडिया से, बेवकूफ़ नहीं है, सीज फायर नहीं करता है, वैसे ही आग वाग दिखाते रहता है अपने ताकत दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, लड़ाई नहीं कर सकता है वो इंडिया से, समझदार कंट्री है ये पाकिस्तान, बेवकूफ है, सीज फायर करता रहता है, उसको जब मन लगता है कुछ फायर कर देता है। तो ये सब ग्रीन एनर्जी की बातें हैं, फंड वगैरह, क्रेडिट वगैरह, क्रेडिट डेवलप करना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इमिशन रिडक्शन क्रेडिट, ये ईआर क्या होता है, इमिशन रिडक्शन क्रेडिट, डेवलप्ड कंट्री जो है तो ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज अगर डेवलप्ड कंट्री डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा, सोल्ड टू द डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो है अगर ग्रीन हाउस को रिडक्ट करते तो क्रेडिट मिलता है, तो वो इसको क्या करता है, डेवलप्ड कंट्री अगर नहीं बेचा, जो नहीं किया उसको काम, जो या डेवलपिंग कंट्री जो है उसको डेवलपिंग है तो वो तो बेचारा कम नहीं कर सकता है, तो वो डेवलप्ड कंट्री जो भी क्रेडिट की जमा किया है ग्रीन हाउस गैस को का डिक्रीज करके, वो क्रेडिट वो सोल्ड कर सकता है कि भाई तुम्हारे पास नहीं तो तुम खरीदो, सबको रखना है तो वो पैसा दे खरीद लेगा। तो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म ऐसे चलता है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब चीज़ें हैं ताकि हर कोई कम करे, तो ये सब चीज़ें अगर भाई इंडिया अगर नहीं कम किया तो उसको पैसा देना पड़ जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको कम करना है, अपना अपने तरह से मेहनत करेगा वो, वरना वहाँ पर उसको पैसा देना पड़ जाएगा, जिसने कम किया उससे क्रेडिट उसको खरीदना पड़ जाएगा, उसके पास क्रेडिट नहीं रहेगा। तो चलिए आगे के लेसन में आगे की चीज़ें देखेंगे, हमारे पास समय नहीं बचा, तो थैंक यू वेरी मच, समय इतना है, तो आपसे आग्रह मुझे फॉलो कीजिए अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, सबसे पहले फॉलो हर कोई करे, सबसे पहले ये काम करे, उसी को देख कर वीडियो बनाता है, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अभी 60-65 लोग फॉलो कर रहे हैं, 60-65 लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप खुद सोचिए अधिक से अधिक लोगों को फायदा होना चाहिए, 64 लोग, ये 64 लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो मैं शूट खोल के बैठ के पढ़ाता कहीं पे, तो वहाँ पे भी 64 लोग आ जाते हैं, यहाँ तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर शुरू मैंने क्यों किया है वीडियो बनाना, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, पूरा इंटरनेशनली नेशनली फ़ायदा हो, पूरा इंडिया में हर किसी को फ़ायदा हो इससे, तो वह अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त मित्र पहचान के हैं उससे बताइए, उनको बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं, खुद के चक्कर में लगे रहते हैं, वो पढ़ लेगा तो हमसे आगे निकल लेगा, ये सब से आप ही पीछे हो गए। थैंक यू वेरी मच।